भानु प्रतापपुर शहर के भानु प्रताप देव चौक पर रविवार की रात लगभग बजे कांकेर सांसद भोजराज नाग के काफिले में एक कार घुस गई, परंतु एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की गंभीरता को देखा जा सकता है। कार क्रमांक CG7AY9887 को नगर सैनिक विजय कुलदीप ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए सांसद भोजराज नाग के काफिले को ओवरटेक करते हुए जा घुसा और सड़क पर पैदल चल रहे चार युवकों एवं सडर डक किनारे खड़ी 12 मोटरसाइकिलों को ठोकर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इस घटना में सांसद भी इसके चपेट में आते आते बच गए। चौक में मौजूद जवान महेंद्र मंडावी और अन्य जवानों ने तत्काल घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानु प्रतापपुर पहुंचाया। कार की चपेट में आने से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सांसद भोजराज नाग घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। घायलों में राजा दुबे निवासी आजाद नगर भानु प्रतापपुर का पैर और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। हुकुम सिंह ठाकुर सुभाष पारा भानु प्रतापपुर को बाएं पैर में गंभीर चोट आई है। बालोद जिले के झलमला निवासी मुकेश त्रिपाठी बालोद जाने के लिए खड़े थे, इनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। चौथा घायल अंशु नेताम डोंगरी पारा भानु प्रतापपुर के भी दाएं पैर में चोट आई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। हादसे की खबर आग की तरह फैल गई और लापरवाह चालक को अस्पताल लाने की मांग करने लगे। मौके पर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष निखिल सिंह राठौर, अखिल राठौर, नरेंद्र शर्मा, सचिन दुबे सहित अन्य लोगों ने कहा, चालक को तत्काल मुलाहिजा कराया जाए, चालक शराब के नशे में है। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इसके बाद अस्पताल में SDOP प्रशांत पैकरा, थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख भी पहुंचे और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। आरोपी भानु प्रतापपुर के तहसील पारा निवासी नगर सैनिक विजय कुलदीप अंतागर SDM की सुरक्षा में तैनात है, और भानु प्रतापपुर क्यों आया था, कार किसकी थी, इस भी सवाल खड़ाढ़ा कर रहा है। बताया जा रहा है कार में दो और लोग भी सवार थे। थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख ने बताया कार चालक का भी मुलाहिजा करवाया गया है और ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ धारा 281 125 ABNS दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया है। वो जो कार ने आपको ठोकर मारी थी, उस समय हुआ क्या था एक्चुअली? जी, वो सांसद की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में था, उनकी गाड़ी को टक्कर मार के वो हमारी तरफ आ गया, हमको चपेट में लेके वो डिवाइडर में चढ़ा गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद पता नहीं, हम गिर गए थे यहाँ पास, फिर उठे उठे उन्हीं गाड़ी वाले हमको उठा के चले गए। तो गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी क्या? वो जो कार थी, भागने का मौका ही नहीं मिल पाया, तो समझ ही नहीं पाए कि हमारी तरफ आ रही गाड़ी। तो आप लोग क्या कर रहे थे 10 बजे रात को यहाँ पर? ऐसे ही खड़े टहलने के आए थे यहाँ पर, खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। दिनांक 25 तारीख को एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसपे एक स्विफ्ट डिजायर कार के चालक के द्वारा नशे के हालत पे कुछ इवनिंग वॉक करते लोगों को ठोकर मारते हुए डिवाइडर पर चढ़ा दिया गया था। उसी समय सांसद जी का कारपेट जा रहा था, जो पीछे रुक गई। उनके कारपेट को कोई क्षति नहीं पहुंची है। चालक के खिलाफ में BNS की धाराओं के तहत FIR करके उसका शारीरिक मुलाजा कराया गया है और उसके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसको जेल दाखिल किया। वो सुना है कि पुलिस विभाग के कर्मचारी था वो चालक, जो है नगर सैनिक में पदस्थ है, अंतगढ़ में ड्यूटी है।